जैसे सभी खाली जगह पर हवा होती है, हवा हमारे चारों ओर है, ये हमने सीखा है ना। अब हमें ये देखना है कि कुछ वस्तुओं में भी हवा होती है, कुछ ठोस वस्तुओं में, है ना। तो इसे जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया है हमारे बुक में कि चौक, मिट्टी या ईंट में भी हवा होती है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने तीन पानी लिया है ना, तीन कांच के बर्तनों पे, ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रखा है, और इसमें बुलबुले दिखाई देते हैं कि नहीं इसको देखते हैं। देखिए क्या है, चौक है ना, तो इसमें चौक बताया गया है, तो चौक को पहले देख लेते हैं। देखिए पानी के बुलबुले है ना, मतलब कि हवा के बुलबुले हैं, है ना, मतलब कि चौक में भी हवा होती है, ये तो सिद्ध हो गया है ना। कुछ वस्तुओं में हवा होती है, तो पहला प्रयोग हमारा था चौक। दूसरा देखते हैं ईंट में भी, है ना, तो ये मैंने ईंटा रखा है, ईंट है ये, है ना, इसको देखते हैं क्या इसमें हवा है, पानी के बुलबुले निकलते हैं, देखिए हाँ ये तो निकल रहा है, मतलब कि ईंट में भी, हमारे ईंटा में भी हवा होती है। और मैंने मिट्टी भी रखी थी, ये मैंने लाया है, खेत की मिट्टी लाई हूँ मैं, है ना, इसको छोटा इसमें देखिए, ये मैंने मिट्टी का टुकड़ा लिया है ना, इसे मैंने खेत से लाया है। इसमें देखते हैं क्या मिट्टी में भी, ये देखो मिट्टी में भी हवा है, इसमें भी पानी के बुलबुले, हवा के बुलबुले निकल रहे हैं, निकल गया। तो इन प्रयोगों से यह सिद्ध हो जाता है, हमें पता चल गया कि कुछ वस्तुओं में भी हवा होती है। ठीक है बच्चों, है ना, अब हम अगले वीडियो मिलते हैं।